अस्सलाम वालेकुम जी, आदिल सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज काफ़ी अरसे के बाद जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। पिछले कुछ दिन जो है वो मसरूफ़ रहे, एक तो मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से हॉस्पिटल में कुछ मसरूफियत थी, काम पर भी उस हवाले से कोई तवज्जो नहीं दे सके। तो आज मौसम भी अच्छा था, मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाई जाए और एक नई प्रोडक्ट जो है वो मेड इन पाकिस्तान के तनाजुर में, आपको पता है कि मैं अक्सर मेड इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको हाईलाइट करता हूँ ताकि हमारी लोकल प्रोडक्ट्स और लोकल मार्केट में जो है वो लोगों को अवेयरनेस आए और हम इम्पोर्टेड चीज़ों की बजाय जो है वो पाकिस्तानी मेड जो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल शुरू करें। तो उसी हवाले से आज जो है वो एक नई चेयर आपको मुतारिफ करवाने लगे हैं, आइए देखते हैं। ये प्रोडक्ट आपके सामने कंप्यूटर चेयर में एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और आप देख रहे हैं कि इसकी क्वालिटी, इसकी शाइन बहुत अच्छी, फिनिश के अंदर आप इसका बैक शेल देखें, इसके बाजू आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखें क्या ज़बरदस्त शाइन है इसके अंदर, काफ़ी नीटनेस के अंदर जो है ये बनी है, सफाई से इसके ऊपर काम हुआ होगा। बैक पे भी जो है वो एक अच्छा डिज़ाइन है, हवादार, आपको गर्मी नहीं लगेगी, पसीना नहीं आएगा, जैसे आजकल ये मौसम जो है वो हबस वाला है, तो अगर आप एसी में या तीवन के पंखे में भी आप इस चेयर पे बैठे हैं तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। देख रहे हैं आप बैक पे भी इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन है इसका और काफ़ी सफाई में इसको बनाया गया है, ये आपको मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत चेयर लग रही है। पहले इस तरह की चेयर्स बनती आती थी इम्पोर्टेड और उनमें ये होता था कि एक्सेसरीज़ अवेलेबल नहीं होती थी, किसी का कोई बाजू टूट जाए या बैक अगर टूट जाए खुदा ना खास्ता तो वो पूरी चेयर बेकार हो जाती थी। पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो एक सबसे बड़ी जो सहूलत हमें मिलती है वो ये मिलती है कि इसकी तमाम एक्सेसरीज़ जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये रिपेयरेबल हैं, कोई बाजू बैक अगर टूट जाती है खुदा ना खास्ता तो आपकी पूरी चेयर बेकार नहीं होगी, आप उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो आप रिप्लेस करके उस चीज़ को दोबारा अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। बैठने में भी कंफर्टेबल है, आप इसकी सीटिंग देखें और कॉल सेंटर्स और जो स्टाफ के लिए जो चेयर्स इस्तेमाल होती हैं ये उस टाइप की चेयर है। लॉन्ग टाइम वर्किंग आवर्स के अंदर भी जो है वो आपको इसके ऊपर कंफर्टेबल फील होगा, आपको थकावट नहीं होगी। आप इसकी बैक पे टिल्ट देख रहे हैं, ये देखें इसकी बैक पे जो है ये इस तरह से एक टिल्ट है, ये आपको बैक केयर सपोर्ट भी देती है ताकि लॉन्ग टाइम वर्किंग आवर्स के अंदर जो है वो आपको थकावट महसूस ना हो। आज के लिए इतना ही, ये एक नई प्रोडक्ट आई थी, मैंने कहा आपको दिखाऊं और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और तमाम जो नए आने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपकी अप्रिसिएशन जो है वो हमें मज़ीद इस तरह की चीज़ें आपको दिखाने के लिए जो है वो हिम्मत देती हैं ताकि हम आपके सामने इस तरह की चीज़ें लेके आएं। स्पेशली मेरा फोकस होता है कि हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो है वो दिखाएं ताकि इम्पोर्टेड आइटम्स के ऊपर जब इतने डॉलर्स खर्च करते हैं वो बचाए जा सकें और पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट पर फोकस करें ताकि इन प्रोडक्ट्स को मज़ीद हम अच्छा करके सामने लेके आएं और पाकिस्तान इम्पोर्टिंग कंट्री की बजाय एक्सपोर्टिंग
कंट्रीज़ की फहरिस्त में जो है वो शामिल हो रहा है। आज के लिए इतना ही। आदिल सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।